You all fine. This is your science class. Now we are going to start chapter number 1. That is living and non-living things. Children, today we will continue the chapter number 1. In the earlier video, you have been taught half of chapter number 1. Today we will read. Okay, children? First, we will read the chapter. After that, we will explain the chapter number 1. Okay, once again we know about the features of living things. Living things breathe, living things have life cycle, living things feel. Yahin se hum continue karenge. Okay children, living things feel. All living things feel and respond to the environment. Human beings and animals feel through their sense organs like eyes, ears, nose, skin and tongue. We remove our hand quickly when a hot object comes in contact. Animals and birds migrate due to change in climate condition. अब इसे हम explain करते हैं. यहाँ पर living things feel कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं मीन्स जब भी कभी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होते हैं तो लिविंग थिंग्स उसे फील कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स और लिविंग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में फील करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. When a hot object comes in contact, जब भी कभी हमारे sense organs इन hot sense organs hot object के contact में आते हैं तो we remove our hand quickly. हम quickly अपने hand को वहाँ से remove कर लेते हैं. Animals and birds migrate due to change in climate condition. Animals or birds में feeling आने पर एनवायरनमेंट के प्रति वो माइग्रेट कर जाते हैं मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. प्लांट्स सेट देयर लीव्स इन ऑटम एंड देयर फ्लावर इन स्प्रिंग. प्लांट्स में ये फीलिंग वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं और स्प्रिंग के समय उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं. इस तरह से वो एनवायरनमेंट के प्रति फील करते हैं. यहाँ पर नीचे पिक्चर में आपको दिखाया गया है ट्री शेडिंग लीव्स और बर्ड्स फ्लाइंग. बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं. हैव यू एवर सीन योर क्लॉथ्स क्राइंग व्हेन वॉश्ड. क्या आपने कभी क्लॉथ्स को धोते समय क्राई करते हुए देखा है? नो, बिकॉज क्लॉथ्स नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन टू फील. क्लॉथ्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं क्योंकि उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं फील कराने के लिए. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट फीचर्स है लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड फूड. लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायर्ड होती है. फूड इज इसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव एंड ग्रो. मीन्स कि लिविंग थिंग्स के लिए लिविंग थिंग्स को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए फूड एक इसेंशियल पार्ट होता है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एयर वाटर सनलाइट. प्लांट्स अपना फूड एयर वाटर सनलाइट का यूज़ करके बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं. साइड पिक्चर में आपको दिखाया गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीव्स पे होती है. लीव्स पे क्लोरोफिल होता है, उसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है. लीव्स सनलाइट का कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वाटर का यूज़ करके वो अपना फूड बनाती है और इसे ही हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं. द पिचर प्लांट कैच एंड ईट इंसेक्ट. पिचर प्लांट जो होता है वो अपना फूड इंसेक्ट को ईट करके पूरा करता है, बनाता है.
हैज़ योर कंप्यूटर एवर आस्क फूड फ्रॉम यू? नो, बिकॉज कंप्यूटर इज आर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की नीड नहीं होती है. क्या कभी आपने कंप्यूटर को खाना खाते हुए देखा है? नो, बिकॉज कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट फीचर है आपका लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. मीन्स लिविंग थिंग्स मूवमेंट को शो करते हैं. लिविंग थिंग्स एंड एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर. दे आल्सो शो मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज. बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, स्नेक क्रॉल एंड फ्रॉग हॉप. यहाँ पर बताया गया है कि लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी मूवमेंट करते हैं. ह्यूमन बींग्स और एनिमल वन प्लेस टू अनदर प्लेस फूड को सर्च करने के लिए, वाटर, शेल्टर को सर्च करने के लिए ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं. ये मूवमेंट अपने को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी शो करते हैं. बर्ड्स फ्लाई करती है, इस तरह से मूवमेंट करती है. फिश स्विम करके मूवमेंट दिखाती है और स्नेक क्रॉल करके, फ्रॉग हॉप करके, इस तरह से ये सभी अपना मूवमेंट शो करते हैं. प्लांट आल्सो शो मूवमेंट. क्लाइंबर्स मूव अलोंग द वॉल्स. विल क्रीपर स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड्स. सनफ्लावर ब्रेंड्स टूवर्ड्स द सन. स्टेम ऑफ प्लांट्स ग्रो अपवर्ड्स. रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल. प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट्स किस तरह से अपना मूवमेंट शो करते हैं? प्लांट्स में आपके क्लाइंबर हैं, क्रीपर्स हैं, ये सभी मूव अलोंग द वॉल्स, स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, इस तरह से मूवमेंट शो करते हैं. और सनफ्लावर सन की तरफ अपने को बेंड करके इस तरह से मूवमेंट शो करता है. स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रो अपवर्ड. स्टेम जो होते हैं वो अपवर्ड ग्रो करते हैं. रूट अंडर डाउनवर्ड ग्रो करती है सॉइल में. इस तरीके से प्लांट भी मूवमेंट को शो करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर, टेबल कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो नहीं करते हैं. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है आपका फीचर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स अपने ही जैसे संतान को जन्म देने की जो प्रोसेस होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल. सो रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. ऑल लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ, लायन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स ले एग्स एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स. मीन्स लिविंग थिंग्स में लाइफ साइकिल होती है, इसके बारे में आपने पहले रीड किया है. और रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. और रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इसमें हर लिविंग थिंग्स में वो कैपेबल होता है रिप्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे संतान को जन्म देने के लिए. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ, लायन, ये सभी बर्थ के थ्रू अपने देयर वंस. बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स ले एग्स एंड यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स. ये एग्स के द्वारा और या बेबी के द्वारा, यंग वंस के द्वारा अपने रिप्रोडक्शन को, प्रोसेस को शो कराते हैं. मोस्ट ऑफ न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एडल्ट प्लांट. प्लांट्स अपने ही जैसे दूसरे प्लांट को ग्रो करके ये प्रोसेस दिखाते हैं. यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल दी गई है हैन की. किस तरीके से हैन, यहाँ पर एग होता है, एग चिक में कन्वर्ट होता है, चिक से हैन बनती है, हैन से फिर एग आता है. इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है. साइड में आपको यहाँ पर सीप है, सीप का यंग वंस है आपका लैम्ब. इस तरह से यहाँ पर रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. हैव यू एवर सीन अ बुक गिविंग बर्थ टू अनदर बुक? क्या कभी आपने बुक को एक बर्थ देते हुए देखा है अनदर बुक में? नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. हम कहेंगे कि नहीं,
क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. ये लास्ट पॉइंट है आपका चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ पर अब आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस बताया गया है. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, रिक्वायर्ड फूड टू ग्रो, हैव लाइफ साइकिल, सो मूवमेंट, कैन फील, कैन रिप्रोड्यूस. जो अभी तक आपने फील फीचर्स के बारे में जाना है उसी के बारे में यहाँ पर डिफरेंस में दिया गया है कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकती है, उनको फूड की नीड होती है, उनमें लाइफ साइकिल होती है, मूवमेंट शो कराती है, फील होता है, रिप्रोड्यूस होता है. इसके अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स में डू नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट रिक्वायर्ड फूड, डू नॉट हैव लाइफ साइकिल, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट फील, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से मीन्स लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं कर सकती हैं, उनको फूड की नीड नहीं होती, उनमें लाइफ साइकिल नहीं होती है, उनमें मूवमेंट नहीं होता है, ना ही वो फील कर सकती हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. ओके चिल्ड्रन, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके चिल्ड्रन, नाउ योर क्लास इज ओवर. थैंक यू क्लास.